हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के आगे के क्वेश्चंस। आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ द लिटरेरी सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पे हमें लिटरेरी सोसाइटी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले दिया हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹1650, जो हमारे लिए क्या है, इनकम है, जिसको हम किस तरफ इनकम शायद शो कर देंगे। उसी के बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹570। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में कितना, 570, जो हमारे लिए इनकम है। इनकम फ्रॉम लेक्चर ₹3480 इनकम है, लिखाई हुआ है लेक्चर से इनकम हुई है 3480, तो इनकम में लिख देंगे। रेंट पेड, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है 315 का। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है 150 का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दी। इसी के साथ अब चालू होता है एडजस्टमेंट। सोसाइटी हैज़ 10.4% डिबेंचर्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ₹1500। सोसाइटी के पास 10 डिबेंचर है, कितने कितने रुपए वाले, 1500 रुपीज़ वाले, मतलब 1500 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 15,000। उस पे हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना है, 4% का, 15,000 इंटू 4, तो हमारा जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, 600 का, जिसमें से हमें इंटरेस्ट 570 का मिल चुका है, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, 30 रुपीज़। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके हम 30 रुपीज़ शो करेंगे। फिर है रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च इज ₹120, इसी में रेंट आउटस्टैंडिंग है 120 का। एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज ₹144, और प्रिंटिंग एक्सपेंस हमारा 144 का आउटस्टैंडिंग है। तो चलिए बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ आ जाते हैं टू रेंट। रेंट कितने का है, 350। उसी के बाद एडजस्टमेंट में दिया था आउटस्टैंडिंग रेंट 120, तो टोटल कर लीजिए 435। फिर आते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है हमारे पास 150 के। फिर आते हैं टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास दिए हुए हैं 310 के। फिर आते हैं टू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है, पढ़ लीजिए, आउटस्टैंडिंग है कितने का, 144 का, प्लस कर दीजिए 336। इसी में टू, बस इतनी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आ जाते हैं इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन। कितने का सब्सक्रिप्शन है, 1650 का। इसी के बाद है बाय इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये समझ लीजिए। और मैं आपको बता दूँ यहीं पे कि आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया इन्वेस्टमेंट में, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये इंटरेस्ट आपको किस में मिला है, डिबेंचर्स में। जो डिबेंचर्स आपने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, उसका इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट के नाम से शो किया है, तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ही लिखिएगा। तो हाँ, आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं, 1500। कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। तो
तो अब क्या करिए, 15,000 का कितना निकालेंगे, 4%, क्योंकि हमें डिवेंचर्स जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो हम उस कंपनी के लिए क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। तो वो कंपनी क्या करेगी, उनको जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले जितना अमाउंट हमारा होगा, जितने पैसे उसने हमसे लिए होंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। यही तो है डिवेंचर्स। तो आप यहाँ पे 15,000 का निकाल लीजिए तो कितना आ गया, 600, जिसमें से हमें इंटरेस्ट 570 पहले ही मिल गया। तो आउटस्टैंडिंग में कितना है, 30 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके 570 आउटस्टैंडिंग प्लस 30, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 600 का। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख लीजिएगा आप। उसी के बाद दिया हुआ है बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर, लेक्चर से इनकम हुई है कितने की, 3480 की। इसी के बाद दिया हुआ है, बस इतनी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें हमारा निकल रहा है क्या, सरप्लस। सबसे पहले इनकम साइड का हम इसमें करते हैं टोटल, मतलब इसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सा साइड हमें बड़ा दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये वाला साइड बड़ा था तो हमने यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस किया तो सरप्लस निकाला। यहाँ पे भी ये वाला अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है तो इसको प्लस करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे तो सरप्लस है, डेफिशिएट जो भी होगा निकल आएगा। तो यहाँ का टोटल है हमारा 5730, जिसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किए तो हमारा सरप्लस आ गया 4499 का। तो टोटल हो गया 5730। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ जो वीडियोस देखना चाहते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता, और अगर मुझसे समझ में आ रहा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल में कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस नहीं ला पाऊँगी।